तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, जिसके क्वेश्चन पेपर में अब आने शुरू हो गए। तो ये टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जब कुछ संख्याएं दी हो, आपस में उनका गुणा हो या जोड़ घटाना हो, तो इकाई की तरफ, यूनिट डिजिट की तरफ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अपना ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस सब कुछ इसी पर रखिएगा, क्योंकि भैया अब ये पेपर में आने लगे हैं, पेपर में आने लगे हैं। अभी तक नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ 2 दिनों से बच्चों ने बताया है कि सर शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न भी बच्चों के सामने पेपर में आने लगे हैं। तो इसीलिए मैंने लाइन लिखी कि बच्चों ने बताया तब हमने पढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी उसमें नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी प्रोडक्ट में या जोड़ घटाने में नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या को निकालने के लिए हम लोगों को जिन चीजों पर ध्यान देना है वो क्या है, एक बार बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक। अब देखो, कई जितने भी प्रकार इसमें बन सकते हैं, मैं आपको सारे प्रकार एक ही वीडियो में करा दूंगा। ये नहीं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, फिर मैं दूसरा बनाऊं, फिर मैं तीसरा। मेरा कहना यह है कि एक बार पढ़े, ढंग से पढ़े, अच्छे से पढ़े। एक ही चीज के लिए आपको 50 बार प्लेलिस्ट पे ना जाना पड़े, एक ही चीज के लिए आपको चैनल के वीडियोस पे बार बार सर्च ना करना पड़े। ये सब झंझट यार मेरे से हो ही नहीं पाते। मैं एक ही चीज को एक बार में पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। जरा गौर से समझिएगा। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस के लिए, जीरो की संख्या निकालने के लिए, जीरोस की संख्या को निकालने के लिए हमें 2 चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला फोकस होता है 5 पे। बोले सर 5 पे, हमने कहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे, 0 कब मिलता है इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब 5 का गुणा आप किसी भी सम संख्या में करते हैं तो गुणनफल के बाद इकाई में जो आएगा वो 0 आएगा। कैसे सर? मैंने कहा भाई आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 5 का गुणा अगर आप 0 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 5 का गुणा आप 2 में करें तो 10 आएगा इकाई में 0, 5 का गुणा 4 में करें, 6 में करें या 8 में करें, किसी में भी करें, जो गुणनफल होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो प्रोडक्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं बोल रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार के हिंदी भाषी बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम बच्चा हो उसको किसी में दिक्कत ना आए। तो जो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट की इकाई में 0 आना कन्फर्म है। कब? फिर से सुनिएगा, जब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं। ठीक। अच्छा, तो सर अगर मैं 5 का गुणा मान लीजिए 566 में कर दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा 0 की संख्या क्या है? सवाल उठाना मन में कि सर आपने कहा कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में किया, तो मैं 5 का गुणा जो है 666 में कर देता हूं, आप बताइए कितने 0 होंगे। तो ये बातें किस पर निर्भर होती हैं, इसके लिए आपको अगली लाइन जो है मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको 2 चीजों पर बहुत फोकस करना होता है। एक करना होता है 5 पर फोकस, जिस पर आपको अपना ध्यान रखना होता है, फोकस रखनी होती है। ठीक है, जिस पर फोकस रखना होगा वो फोकस रखना होगा 2 बातों पर, एक रखना होगा 5 पर और एक रखना होगा 2 पर। आपको हर संख्या में ये देखना है कि कितने 5 हैं कितने 2 हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ पाए, आपको हर एक संख्या में देखना है कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। उसके बाद जिसकी पावर कम होगी आप उसके 0 ले लेंगे, उसकी पावर को ही आंसर बना लेंगे। ठीक, ये बात याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल अभी हर एक सवाल में होगा। जिसकी पावर कम हो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब ध्यान से समझना, ये 0 आते कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं भाई मेरे, कि जैसे मैं यहीं पे बोलता हूं 2 का गुणा 5 में करता हूं, यानी कि 2 की पावर भी 1 लेते हैं, 5 की पावर भी 1 लेते हैं, बताइए गुणनफल क्या आएगा? बोले सर 10 आएगा, 5 दूनी 10। इकाई में कितने 0 हैं? बोले सर 1 0 है। क्यों? क्योंकि पावर 1 1 है। दोनों की कॉमन पावर या दोनों में जिसकी पावर कम है हम उसको लेकर चलेंगे। फिर से बोले दे रहा हूं, जिसकी पावर कम है मैं उसका आंसर लेके चलूंगा। अभी मैंने क्या बोला, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 2 कर देते हैं, लेकिन 5 की पावर 1 ही रहे, अब आप बताइए कितने 0 हैं। तो आप देखो, जिसकी पावर कम है 0 उतने ही होंगे। किसकी पावर कम है? बोले सर 5 की। मेरी बात समझ रहे हैं? किसकी पावर कम है? कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे ये पता लगना चाहिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो आप तक पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। और थोड़ा सा इसमें आप लापरवाही मत किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। शेयर आप करें या ना करें, आपको अच्छा लगे तो आप कर दीजिएगा, नहीं मत कीजिएगा। आप बस इतना मुझे जरूर बताया करिए कमेंट के माध्यम से और लाइक होने के माध्यम से। मैंने देखा है अगर वीडियो 10,000 जैसे चली तो उसमें जो लाइक होते हैं वो केवल 1 ही 1,000 है, तो इसका मतलब मैं ये समझ पाऊं
कि 10,000 लोगों ने जिसमें देखा उसमें मुझे 1,000 लोगों ने पसंद किया, बाकी 9,000 लोगों ने पसंद नहीं किया, ऐसा है क्या? है ना, मैं अपने आप को और सुधारने की कोशिश करता हूँ, रहता हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन आप लाइक और शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर आप करें अथवा ना करें, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, घात किसकी कम है? तो बोलोगे सर 5 की घात कम है, तो मैं सीधे डायरेक्ट बोल सकता हूं कि सर इकाई में इसकी तरफ 0 1 ही होगा। अब आप अगर चेक करो तो 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 1 5, 5 चौको क्या होता है 20, कितने 0 आ गए, 1 ही आया ना। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 × 2 की घात 3, अब दोनों में ही पावर समान है, तो जब दोनों में समान है तो 3 आंसर हो जाएगा। कितने 0 होंगे, बोले सर 3 0 होंगे, कंफर्म। आप चाहो तो चेक कर लो, 5 की पावर 3 125, 2 की पावर 3 8, 125 × 8 1000, कितने 0 हैं, 3 0। मेरी बात समझ पाए, किन चीजों पर फोकस करना है, 5 पर और 2 पर, उसमें से जिसकी पावर कम है वो आंसर है आपका। मेरी बात समझे, बोले हाँ सर। ये तो तब की बात है जब आप गुणनफल में चल के चलेंगे। अगर यही सवाल 0 पर आधारित इसी प्रकार के सवाल अगर जोड़ घटाने के लिए पूछ लिए जाए, सपोज आपसे कह दे कि 10 + 100 + ऐसे ही डैश 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 करके आगे बोल दे 10 लाख तक, कहां तक, 10 लाख तक। अब आपसे कह दे कि अगर इन सबको जोड़े तो इकाई में कितने 0 होंगे, आपको ऐसे में क्या करना है, सुनिए मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं आपसे, आप 10 और 100 को जोड़िए, तो आप जोड़ के क्या बताओगे, सर 110 है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर 2 0 वाली कोई संख्या या 1 0 वाली कोई संख्या आपस में जोड़ी जाती है तो उसके परिणाम में जो 0 होंगे ना वो हमेशा कम वाली संख्या के ही होंगे, ज्यादा वाली के नहीं होंगे। घटाने जोड़ने सब में यही काम होता है। मेरी बात समझे मेरे मित्र, यस और नो, बोले हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहां पर अगर आंसर पूछा जाए कि 0 कितने होंगे, तो आप कहोगे सर इसमें 1 0 फिर 2 0 ऐसे आगे कितना भी बढ़ते जाए, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है जिसमें 0 सबसे कम थे। बोले किसमें कम थे, बोले सर 10 में, कितने थे 1। तो इसका जो आंसर आएगा, जो भी इसका परिणाम रिजल्ट रहेगा, उस परिणाम की इकाई की तरफ 0 सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 1। मित्र मेरी बात समझ गए ना, होप सो आप समझ पाए। केवल इतनी चीज पर आपको फोकस रखना है, और जैसे ही ये फोकस आपका हटेगा तो आपका सवाल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ, जिसमें आपको हर एक टाइप के सवाल में कराने जा रहा हूं। तो ये पहले प्रकार के सवाल है जिसमें नंबर कंटिन्यू होंगे। कंटिन्यू नंबर होने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर कंटिन्यू होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हो एक्स, फिर गुणे में लिख दें x+1, फिर गुणे में लिख दें x+2, तो ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यू नंबर, लगातार नंबर। तो यहां पर इस प्रकार की सीरीज आपको मिलेगी, और डैश 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 आगे करके यहां पे लिख दिया होता x+10। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक। आपसे पूछ दे इसमें इकाई की तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसे सवालों को फर्स्ट टाइप में हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक। तो ये आपका पहला प्रकार है, व्हेन द नंबर इज सेम, जब संख्याएं दी हुई जो हो वो क्रम में हो, ठीक है भाई, टाइप 1। आइए पहले सवाल को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 9 कहां तक, 97 तक, कह रहा है कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। जब नंबर कंटिन्यू होके आए, नंबर लगातार आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए सबसे बड़े नंबर पर। तो सर यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 97। मैं 97 पर नजर रखूंगा, मैं हटने नहीं दूंगा इसको इसके सामने से। मैंने कहा 97 तुम इधर से कहीं जा नहीं सकते, बस इसी 97 को पकड़िए, 5 से विभाजन करने लगिए। और अमूमन ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, हमेशा 5 से, कभी कभी 2 से भी करते हैं। 5 से ज्यादातर डिवाइड इसलिए करते हैं कि 2 और 5 के गुणनफल में, ध्यान से सुनिएगा, 2 और 5 के गुणनफल में ज्यादातर, यानी कि 90% चांस यह रहता है कि 5 की पावर कम होती है। तो जिसकी पावर कम हम उसी को लेते हैं, इसीलिए हम लोग 5 से ही डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर 2 से क्यों नहीं कर देते हो, जब 2 और 5 पे फोकस करना है। तो भैया इस कारण से हम लोग ज्यादातर किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। मैं कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं जिसमें 2 से भी डिवाइड करना पड़े। खैर फिलहाल अभी इसको देखते हैं। 5 से डिवाइड कर दीजिए कितनी बार, 18 पंचे 90,
है ना, 18 पंचे 90, 18 छंगे 108 हो जाता, तो 18 बार ये डिवाइड, 19 बार हो गया, 19 पच्चे 95, 19 बार डिवाइड हो गया। अब जितना डिवाइड होकर आया उसको दोबारा से फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से कितनी बार, 3 बार, कितना बचेगा, 5 से 15, 4 बचेगा। जैसे ही ये 4 बचा, बोले सर अब यहां पे रुके क्यों, अब 5 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, तो ये 4 जो है ना इस 5 से छोटा है, शेषफल जो बचा 4 वो 5 से छोटा है, तो जैसे ही शेषफल 5 से छोटा हो जाए डिवाइड करना रोक दीजिए सर, आपने इसको रोक दिया, बस ये जो आया है इनको जोड़ कर लिख दीजिए, इसके जीरो की संख्या कितनी होने वाली है, 22, खत्म हो गया सवाल। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 1 से लेकर 1000 क्या करना है, पहला काम सबसे बड़े नंबर को सर जी पकड़ लेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 1000, मैंने कहा वेरी गुड, पहला स्टेप आपके समझ में आया। फिर क्या करना है दोस्त, सर 5 से विभाजित करते हैं, 5 से विभाजित करेंगे कितनी बार, 200 बार, 200 को पकड़िए, 5 से विभाजित कर लें कितनी बार, सर 40 बार, 40 को पकड़िए, 5 से डिवाइड करिए कितनी बार, 8 बार, 8 को पकड़िए, 5 से डिवाइड करिए कितनी बार, 1 बार, शेषफल क्या आ जाएगा, 3। जैसे ही शेषफल 3 आया, या यूं कहिए कि यहां पर अगर 1 आ जाए तो आप रुक जाओ, जितनी बार डिवाइड हो रहा है अगर शेषफल 5 से कम आ जाए तो भी रुक सकते हो, यहां यहां पे 1 आ जाए तो भी रुक सकते हो, दोनों चीजें देख सकते हो, 1 आया रुक गए, अब आगे नहीं करना है, जोड़ दीजिए सबको, 240 48 249, कितने जीरो हो जाएंगे, 249 जीरो। अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करता हूं तो कितने जीरो होंगे, 1000, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये बात बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होगी, आई होप सो। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन द नंबर इज मल्टीपल, जब नंबर किसी ना किसी का मल्टीपल हो, या यूं कह सकते हो कि एक प्रॉपर गैप में हो, मतलब अंतर जो हो ना वो हर बार बराबर हो, कहने का तात्पर्य यह है मित्र, अगर पहला नंबर ए लिखा है, ठीक, अगला नंबर मान लीजिए हमने लिख दिया a+9, कितने का गैप है, बोले सर 9 का, अगला नंबर मैंने क्या लिखना होगा, a+18, फिर कितने का गैप है, सर 9 का, नेक्स्ट नंबर a+27, कितने का गैप है, सर 9 का, तो यहां पे इस प्रकार से आएगा, गैप लेना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि जितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले तो हमें संख्याओं की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी, क्या ज्ञात करना होगा, संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं अपने पास जो कि प्रॉपर गैप में दी है, सबसे पहला काम यह ज्ञात करना होगा। और उसके बाद दूसरा काम जानते हैं क्या है, जो आपने अभी तक किया था, बस खेल खत्म। देखिए आइए पहले सवाल को देखते हैं, इसके 2, 4, 6 लेकर कहां तक, 100 तक, इसमें हमको क्या करना है वो निकालना है, 2 × 4 × 6 × 8 और इसी तरीके से गुणे में बढ़ेंगे कहां तक, 100 तक। तो सब देखिए आप, सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं मित्र वो दो दो के गैप में, 2 से चालू होकर अगर मैं कहां तक जाऊं, 100 तक, दो दो के गैप में, तो कितनी संख्याएं होंगी, बोले सर 50 संख्याएं होंगी। ये बात आपको समझ में आ गई, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्यों निकालते हैं, मैं आपको भी बताता हूं। बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास लिखा हो 2 × 4 × 6, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर मैं 2 कॉमन लेना चाहूं तो कितनी बार 2 कॉमन ले सकते हैं, बोले सर ये 2 × 1 है, इसको 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। अब बताइए अगर मैं 2 को कॉमन लेकर बाहर निकालूं तो कितनी बार 2 ले सकता हूं, 1, 2, 3 की सीरीज बनाते हुए, 1, 2, 3 बार, अगर मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 बचेगा, बोलिए हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपको 50 देखनी होती संख्या। अब मैं अगर यहां से 2 कॉमन लेता हूं मित्र, तो अपने पास 2 कितनी बार कॉमन होकर आएगा, बोले सर जितनी संख्याएं आएंगे, 2 की घात 50, अंदर क्या बचा, 1 × 2 × 3 और सो ऑन डैश 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 50 तक, हाँ या ना, बोले हाँ सर। अब तो ये वही वाला सवाल हो गया जो पहले टाइप का था, 50 को पकड़िए, 5 से विभाजित करिए कितनी बार हो गया, सर 10 बार, फिर 10 को पकड़िए, 5 से डिवाइड करिए कितनी बार हो गया, सर 2 बार, 2 बार हो गया। अब क्या करना है, अब जरा गौर करिएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया भाई साहब, 12, 10 + 2 = 12। अब समझना ये है कि अपने पास ऑलरेडी 2 की पावर 50 तो थी, और ये जो पावर आई है ये किसकी होगी, किससे विभाजित करके आई, बोले सर 5 से, यानी 5 की पावर 12। अब 2 और 5 अगर दोनों आते हैं तो क्या करना होता है, जिसकी पावर कम होगी वो आंसर होगा, तो पावर किसकी कम होगी, सर 5 की, यानी कितनी, 12, बोले आंसर क्या होगा, 12, यानी जीरो की संख्या इसमें दोस्त कितनी हो जाएगी, 12। कमेंट करो, अच्छा लगा, आगे बढ़ रहा हूं सवालों पर। देखिए अगला सवाल क्या है मित्र, ये है,
अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, बहुत ध्यान से समझना, 7, 14, 21, 280 तक। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले देखो कि ये सब 7-7 के गैप में है, 280 तक कितनी संख्याएं होंगी। बोले सर ये कौन सी बड़ी बात आप पूछ रहे हो, आप भी सर ना हम लोगों से कभी कभी बहुआ वाले सवाल पूछ लेते हो। बोले सर 280 को 7 से डिवाइड कर दे यानी हमें पता चल जाएगा कुल संख्याओं की संख्या 40 होगी। वेरी गुड, हो गए 40, 7 कॉमन ले लें तो अपने पास 7 कॉमन लेने के बाद 7 की पावर 40 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 × 2 × 3 और कहां तक भाई 280 को 7 से डिवाइड करोगे तो मित्र 40 तक। ये यूज होता है इसका, मेरी बात समझे, यहां भी 40 यहां भी 40, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है सर, ये तो आ गया 7 की घात 40, अब सर 7 की पावर 40 में तो ना 2 है ना 5 है, इसको ध्यान ही नहीं देना है, खत्म। अब सिर्फ सिर्फ तुम्हारे पास ये है, बड़ा नंबर क्या है सर 40, पकड़िए इसको 5 से विभाजित करिए, 5 × 8 = 40, 8 पकड़िए 5 से विभाजित करिए, 5 × 1 = 5, 3 बचे का खत्म काम, जोड़ दो इनको 8 और 1 = 9, कितने 0 होंगे सर 9 0। बोलिए सबकी समझ में आया, कोई किसी को डाउट है इस सवाल में, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट? इसको इसलिए नहीं लोगे दोस्त, सबसे पहली बात तो ये तो 7 है, 7 में ना 2 है ना 5 है, इसलिए इसको दिमाग से हटाया। दूसरी बात, पावर भी तो 40 थी, बड़ी थी, क्या ही मतलब, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप के सवाल पर आते हैं, टाइप थर्ड पर, ठीक, T3 सवाल। इसमें आपको वो सवाल मिलेंगे जो कि 10 के या फिर 100 के या फिर 1000 के मल्टीपल में होंगे, तो ऐसे सवालों में जिसमें मल्टीपल होते हैं जैसे 10 का 10 × 20 × 30 × 40, 100 × 200 × 300 × 400, इस तरह प्रकार से, तो जो कॉमन है ना, जो सब में दिख रहा है उसी को आपको कॉमन करके बाहर निकाल लेना है, दैट्स इट। चलिए सवाल को देखते हैं, सवाल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखो भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये सवाल देख रहे हो, 10 × 20 × 30 × 1000 तक मैं कहूं कि कॉमन ले लो भाई, तो आप कहोगे क्या कॉमन ले ले, मैंने कहा क्या दिख रहा है सब में कॉमन, बोले सर 10, हमने कहा लो। अब 10 जब कॉमन लेंगे तो 10 कॉमन होने के बाद 10 की घात कितनी आएगी, 10 कितनी बार कॉमन होगा, इससे कॉमन लिया तो अंदर 1 बचेगा, इससे कॉमन लिया तो 2 बचेगा, इससे लिया तो 3 बचेगा, सो ऑन डैश डैश डैश, मैं अगर इससे कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, बोले सर 100 बचेगा, जो यहां आता है वही तो यहां आता है, यानी 10 की पावर 100 आपने कॉमन ले लिया। ध्यान से समझना मित्र मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये चीज समझ गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो जरा समझना ध्यान से, 10 की घात आपने 100 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है 1 से लेकर 100 तक, बड़ा नंबर पकड़े 100, किससे डिवाइड कर ले, किससे डिवाइड करें, बोलिए। मैं अगर इसको ध्यान से समझना, यहां पर बहुत जरूरी चीज है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं 20 आएगा, 20 को पकड़ेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे 4 आ जाएगा, तो 24 जीरो आएंगे। इस 10 में 2 और 5 दोनों है, इस 10 में जैसे ये 10 की घात 100 लिखा है, 2 और 5 दोनों, यहां पर बच्चों से 100% गलती होती, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लेना, 2 और 5 दोनों की घात 100 है, यानी कि ये 2 की घात भी 100 है अपने पास, गुणे 5 की घात भी 100 है अपने पास, ये दोनों है अपने पास, समझना ध्यान से गुरु, यहां पर समझ लो मजा आएगी। और भाई मेरे, अगर मैं यहां से 2 की घात निकालना चाहूं तो इसमें कितने 2 आएंगे, तो क्या कहोगे सर, किसी भी विषम संख्या में तो 2 आना ही नहीं है, जैसे 1 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, हमेशा सम संख्या में ही 2 आना है, यस और नो, समझ रहे हो, सम संख्या में ही 2 आएगा। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 2 कई बार आ जाएगा, जैसे 2 16 में कई बार, 4 बार आएगा, 8 में 3 बार आएगा, उनपे आपको टेंशन नहीं लेनी, यानी कि वो तो फिर बढ़ जाएगा ना, वो बढ़ जाएगा। तो अब आप यहां से देखो और यहां से समझो, अरे यार यहां से देखो यहां से समझो, मैं पूछ रहा हूं कि ये 5 की घात यहां पर, अगर ये 24 मिला, 5 की घात ऑलरेडी यहां पर 100 था, तो मैं क्या करूं ऐसा कि अपना काम बन जाए, यहां पे 0 कितने होंगे, कमेंट करके सब लोग बताएंगे होमवर्क में, आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है ये, कमेंट करके सब लोग होमवर्क में बताएंगे कि नंबर ऑफ 0 यहां पे कितने होंगे, नंबर ऑफ 0 यानी कि शून्यों की संख्या यहां पे कितनी होगी, फटाफट, कहीं 124 तो नहीं होगी, ध्यान से, कहीं 100 तो नहीं होगी, या कहीं सिर्फ 24 ऑप्शन लिखें, या कहीं सिर्फ 24 तो नहीं होगी, ध्यान से सोच के कमेंट करना, ठीक, मैं अगले उस पर चलता हूं, ठीक है। ये देखो सवाल, कितने 0 होंगे बताना है, सेम क्वेश्चन, क्या कॉमन ले ले, बोले सर 100, मैंने कहा 100 कितनी बार कॉमन आएगा, बोले सर 100 को पावर 100 आ जाएगा कॉमन, मैंने कहा ओके 100 की पावर 100 कॉमन आ गया,
अंदर क्या बचा सर? वही चीज, 1 × 2 × 3 गुणे कहां तक? 100 तक, है ना, 100 तक, 100 की पावर 100 ऑलरेडी है। यहां पर नंबर आपको मिला। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, समझना। ये 100 जो लिखा है इसको हम 10^2 लिख सकते हैं? बोले हाँ सर। ऊपर कितना था? 100। पावर कितनी हो जाएगी? 10^2 सर। बोले ऐसा क्यों लिखा सर? इसमें 10, इसमें आपको 2 भी मिलेगा, इसमें आपको 5 भी मिलेगा। इधर देखो, 1 से लेकर 100 तक कितने 0 आए थे पिछले सवाल में? बोले सर 24। हर बार नहीं लिखना है ना, यहां पे कितने 0 आएंगे? 24 0 डायरेक्ट लिखते हैं। बोले हाँ सर लिख दीजिए डायरेक्ट। अब 24 0 यहां पर, 200 यहां पर, तो आंसर क्या बनेगा? 200 + 24, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे सर? 224। बोलो ठीक है क्या? खत्म समस्या, काम खलास। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टाइप नेक्स्ट पर। व्हेन द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5। अब अगर नीचे दी हुई संख्या है 5 के मल्टीपल में हो, किसके मल्टीपल में हो? 5 के, 5 के मल्टीपल में। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या अगर 5 के मल्टीपल में है, तो 5 हुई, आगे 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, ये सब 5 के मल्टीपल है। तो इनको कैसे कर रहा है? इन सब में से हमको कॉमन क्या ले लेना होगा? पहले ही 5 कॉमन लेकर बाहर कर देना होगा। जितनी बार, जैसे अभी 10 कॉमन लिया था, 100 कॉमन लिया था, वैसे ही सारे के सारे नंबर अगर 5 के मल्टीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है? जितने भी नंबर 5 के मल्टीपल में होंगे सबको लेके कॉमन बाहर कर लो। आओ सवाल को देखते हैं, समझते हैं सवालों से। आओ देखो, जैसे ये सवाल है 150 तक कितने 0 आएंगे, ठीक? गौर से समझना बेटा, 5 5, उसके बाद 10 × 15, फिर 100 ऑन कहां तक जा रहा है सर? 150 तक जा रहा है। मैंने कहा 150 तक, सब 5 के मल्टीपल में है? बोले हाँ सर। मैंने कहा 5 कितनी बार कॉमन आएगा? सर 5, 10, 15, 150 तक कितनी संख्याएं बन रही है? बोले सर हमें दिख रहा है संख्याएं बनेंगी 30, 5-5 के अंतर पर 150 में, तो 5 की पावर 30 कॉमन आ गया, पहले ही बाहर आ गया कॉमन। यस सर। अंदर क्या बचा? 1 × 2 × 3 और सो ऑन डैश डैश डैश। यहां पर अगर तुम 5 कॉमन ले लेंगे तो 30। बोलो ठीक है दोस्त। बोले हाँ सर। अब मैं आपसे कहूं अगर कि इसको बिल्कुल काट दो, इसका 5 की पावर 30 का कोई इस्तेमाल करना ही नहीं। बोले सर क्यों नहीं करना? आप तो बोल रहे थे 5 और उस पर फोकस रखना। मैंने कहा यस, कहा तो था मैंने, लेकिन फोकस तो तभी रखोगे ना जब 2 × 5 आपको दोनों एक साथ दिखाई दे। अरे 0 तभी तो मिलेंगे, अकेले 5 तो 0 नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि 5 अकेले 0 कैसे दे सकता है इकाई में, तो इसमें हर बार जो है 5 ही आएगा, तो इसको तो लेना ही नहीं, काम खत्म। अब हमारे पास सवाल बेसिक वाला, बड़ा नंबर पकड़िए, 5 से विभाजित करिए, 5 × 6 = 30, 6 को पकड़िए, 5 से विभाजित करिए, कितनी बार? एक बार। जैसे ही एक आया रुक गए, जोड़ दीजिए, कितने 0? 7 0। बोलो ठीक है, कोई समस्या किसी को? होनी नहीं चाहिए वैसे, एकदम सरल, एकदम सरल। चलो अगला सवाल देखो, बताओ, लप से बताओ, लप से बता अगला सवाल बाबू, ए बाबू लपक से बता अगला सवाल का है, देखा जरा। हल्का हो गया क्या? भारी कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, हाँ ठीक है, आइए अगले सवाल पर आते हैं। 5, 10, 15, 200 तक चला गया। अरे क्या ही फर्क पड़ता है, 5 की घात कितनी बार कॉमन आएगा सर? 40, यानी कि 5 की घात 40 कॉमन आ गया, ठीक। अंदर क्या बचा? 1 × 2 × 3 और कहां तक बचेगा? बोले सर 40 तक। इसका काम फिर खत्म कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं, हमें 0 के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए होते हैं, तो 1 से 40 तक, 1 से 40, 40 पकड़िए, बड़ा नंबर, 5 से विभाजन कर दीजिए, 5 × 8 = 40। बोले सर 8 पकड़िए, फिर से 5 से विभाजित कर दीजिए एक बार, शेष 3 बचेगा, काम खत्म, फिर जोड़ दीजिए। बोले सर कितने 0? बोले 9 0। ठीक है मित्र, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए टाइप 4 पे आते हैं हम लोग। टाइप 4 में आपको ये सवाल मिले जिसमें ना सीक्वेंस है, ना कोई मल्टीपल है, ना कोई प्रॉपर गैप है। ऐसे सवालों को दिखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, आप सिर्फ ये देखो कि कौन से नंबर में 2 या 5 आता है, 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, यही शांत और आसान दशमलव में मैंने जो क्लास पढ़ाई थी ना। अच्छा, जितने भी मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं, सभी बच्चों से एक बार निवेदन है, शॉर्ट ट्रिक के जितने भी वीडियोज हैं,
कि चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ और वहां पे सारे के सारे को देख लो एक बार। आपके नंबर कम से कम, मैं इसी में बता रहा हूँ कि इसी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो से 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा चलो देखो, क्या 37 में 2 या 5 आता है? नहीं, खत्म। 97 में 2 या 5 आता है? नहीं, खत्म। 95 में आता है? बोले आता है सर। मैं क्या लिखूंगा 95 को? बोले 19 × 5, 19 खत्म, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं, इसका काम 35। 873 में ना मुझे 2 दिख रहा, नहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा, सीधे खत्म। 337 ना 2 का मल्टीपल ना 5 का मल्टीपल, सीधे खत्म। 16, हाँ सर 16 2 की घात 4 है। यानी आपके पास अल्टीमेटली क्या आया? 5 की घात 1 आया, 2 की घात 4 आया। बताइए कितने जीरो होंगे? सर जिसकी पावर कम है उसी को ले लेंगे, तो भैया यहां पर कितने जीरो होंगे? सिर्फ 1 जीरो होगा। कितने जीरो होंगे? 1 जीरो। काम खत्म, कोई झंझट ही नहीं भाई मेरे। पहला कॉन्सेप्ट, पहली चीज समझो, उसके बाद कुछ नहीं। आओ 95, एक बार 5 आएगा। 65 में 13 5 65, एक बार 5 आएगा। 32 में 2 की घात 5, 37 में ना 2 ना 5, 53 में ना 2 5, 37 में ना 2 5, 58 में 29 2 58, एक बार। तो अब मैं आपसे पूछूं तो क्या मिला आपको? आपको मिला 5 कितनी बार? 5 मिला आपको 2 बार, 5 की पावर 2। और सर 2 कितनी बार? 5 बार उधर, 1 बार इधर, यानी 2 की घात 6। अब बताइए कितने जीरो? 5 की घात 2, 2 की घात 6 में कितने जीरो? सर जिसकी पावर कम, यानी कि इसमें जीरो कितने होंगे? 2 जीरो। लीजिए सर सवाल का काम खलास। बोले समझ में आया? कमेंट जरूर करिएगा कि सर मेरे को ये सब चीजें समझ में आई। जैसे ये सवाल अब समझना ध्यान से, कोशिश करिएगा समझने क्या करना होता है। ऐसे सवाल जब कभी दिख जाए ना जिसमें घात लगी हो, जिसमें घात लगी हो, कभी घात आपको एक समान मिलेगी, सब में 4 4, सब में 6 6, कभी घात आपको इस तरीके से मिल सकती है। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या तरीका, क्या चीज सोचनी है जरा गौर करिएगा। सबसे पहले समान घात वालों को सीख लेते हैं कि समान घात वालों को कैसे करते हैं। आप जो भी पावर है ना इसकी, उसको हटा दो। आप इसको ऐसे सवाल लिखो, ऐसे समझो कि ये सवाल आपके पास ऐसे लिखा, 1 × 2 × 3 × 35 तक। आप केवल इतना देखो कि सवाल आपके पास ऐसे लिखा है। घात का क्या करना है मैं अभी सिखा दूंगा। बड़ा नंबर पकड़िए सर, बड़ा नंबर क्या है? 35। 35 को हम 5 से विभाजित कर लेते हैं। 5 7 35 7 आया। फिर 7 पकड़िए, 5 से विभाजित करिए, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, कितना मिला जोड़कर? 8 मिला। इतनी बात मेरी समझ में आई? हाँ या ना का जवाब दो पहले। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? बोले सर आ गई। कितने जीरो होंगे अगर मैं 1 से 35 तक की संख्याओं का गुणा कर लेता हूं? 5 7 35 7 पकड़ूंगा, 5 एकम 5, सर 8 जीरो आएंगे। अब देखिए सब में घात कितनी थी? बोले सर 4 4 थी, बस उसी 4 का यहां गुणा कर लीजिए, 8 × 4 = 32 जीरो होंगे टोटल। काम खत्म हो गया। सीख पाए? मजा आई? कमेंट करिए जरूर, बताइए, लाइक एंड शेयर करना है। सेम क्वेश्चन, पावर कितनी? 6। देखिए ध्यान से, पावर कितनी हो गई? 6 हो गई। अब पावर 6 हो गई तो मैं 6 को हिसाब बाद में करूंगा, मैं सीधे पहले बड़ा नंबर पकड़ता हूँ 78, 5 से विभाजित करते हैं। कितने बार जाएगा? 5 एकम 5, 2 बचेगा 28, 5 5 25, 15 5 75, 15 आया, 15 पकड़िए, 5 से विभाजित करिए, 5 3 15, 3 आ गया, छोटा हो गया, रुक जाइए, 5 3 15, खत्म हो गया कम ना, 15 और 3 18 जीरो होंगे अगर मैं 1 से 78 तक की संख्याओं का गुणा कर लेता हूँ। हाँ सर, अब जो पावर थी उसी का गुणा कर दो, 18 6 108, कितने जीरो? 108 जीरो। बोलो समझ पाए? ईमानदारी से ये चीज समझ में आई? यस और नो, इधर हटते हैं। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो, हो गई? वेरी गुड। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जब घात बराबर ना हो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, वैसे आपको इस प्रश्न का उत्तर होमवर्क से करके मुझे कमेंट में जरूर जरूर सभी बच्चे ये बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। साथ ही साथ क्लास का जो फीडबैक होगा वो सभी बच्चे जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक करने में यार कंजूसी मत करना सब लोग, ठीक। बड़ी मेहनत लगती है ऐसी चीजों को आपको देने के लिए, ठीक है। आपको लगता होगा कि सरल काम, अरे उठे चले आए काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। टीचिंग इज नॉट अ ईजी जॉब, ठीक है। आओ दोस्त थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरी बात। हमें क्या देखना होता है? सिर्फ 2 और 5 किसमें आएगा, यही तो देखना होता है। बोले हाँ सर, तो जितनी भी विषम संख्याएं आपको मिलेंगी खास तौर पर, या यूं कह लीजिए कि 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, विषम नहीं, आप अभाज्य संख्याएं लो, 2 को छोड़कर, क्योंकि हमें 2 और 5 तो चाहिए, 2 को छोड़कर और 5 को छोड़कर
जितनी अभाज्य संख्याएं मिले उनको तो हटा ही दो। जैसे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये तीन हट जाएगा क्योंकि ना इसमें दो है ना पांच है। तीन के बाद पांच को मत हटा देना क्योंकि पांच में पांच है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। उसके बाद फिर मैं अगर आपसे कहूं कि सात हटा देना तो अपने पास बचेगा क्या? देखो, एक की घात एक बचेगी, दो की घात दो, तीन हट गया, पांच की घात पांच, ठीक, चार हट गया था क्योंकि नहीं चार बना रहेगा ना, चार की घात चार, पांच की घात पांच, ये सब बने रहेंगे। इसी तरीके से सोचना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अगर आप नहीं कर पाओगे तो। उसके बाद छह की घात छह रहेगा, सात हट गया, दो, और फिर उसके बाद आठ की घात आठ रहेगा, नौ हट गया क्योंकि नौ में दो न पांच, दस रहेगा, दस की घात दस, जो नंबर नीचे उसकी घात उतनी, ग्यारह हट गया, बारह बना रहेगा क्योंकि बारह में दो मिलता है, तेरह हट गया, चौदह बना रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद आप चेक करो कहां कहां दो है कहां कहां पांच है। तो एक चीज आपको, अच्छा यहां से एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज आपको क्लियर होगी थोड़ी सी कि दो तो जो है ज्यादा बार आ रहा है सर, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, यहां भी दो है, फिर उसके बाद यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, लेकिन पांच कहां कहां आपको मिलने वाला है? बोले सर पांच हमको कहां कहां मिलेगा? सर पांच में मिलेगा, दस में मिलेगा, पंद्रह में मिलेगा, बीस में मिलेगा, पच्चीस में मिलेगा, उसके बाद तीस में मिलेगा, और सर पैंतीस में मिलेगा। पांच में पांच पांच बार है, दस में पांच दस बार है, पंद्रह में पांच पंद्रह बार है, बीस में पांच बीस बार होगा, पच्चीस में पांच कितनी बार होगा यह ध्यान से समझना है। पच्चीस को हम लोग पांच की घात दो और ऊपर जो है अगर बढ़ाएंगे तो क्या था, पच्चीस ना, तो इसमें आपको पचास बार मिलेगा भैया। तीस में पांच तीस बार, पैंतीस में पांच पैंतीस बार, तो जिसकी घात कम होगी आंसर उतना ही तो जीरो बनाएगा। हाँ या ना का जवाब देना, मैं आपको हिंट क्या बल्कि पूरा सवाल ही करा दे रहा हूं। तो पांच दस पंद्रह, पंद्रह पंद्रह तीस, तीस बीस पचास, पचास पचास सौ, सौ और तीस एक सौ तीस, एक सौ तीस और पैंतीस एक सौ पैंसठ, आंसर आ गया कितने जीरो, एक सौ पैंसठ। फिलहाल आप लोग इस हिंट के माध्यम से सवाल का उत्तर मुझे कमेंट करेंगे, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं फिर भी सभी बच्चे आंसर जरूर जरूर कमेंट करेंगे। उसके बाद सभी लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर प्रदान किया करो मेरे भाई कि क्लास में आपको और क्या नया सीखना है और ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका फायदा आप इस परीक्षा में, आगे भविष्य की परीक्षा में या इसके अलावा जो भी परीक्षाएं आपने भरी है, मैथ्स जिसमें आती है, उन सब में यूज होगा। और लाइक करने में यार कंजूसी मत किया करो, दिल खोल कर लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक। बाकी के जो शॉर्ट वीडियोस की क्लासेस की वीडियोस है ना, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, उसको मैं अभी अपडेट करा दूंगा, आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।